अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस, और आज शो के आगाज़ में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे दरमियान साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरीद? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और मैं यकीन माने के जब भी हस्बे हाल में आता हूँ तो मुझे दिली खुशी होती है। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया। चूँकि आप लोग बड़े अच्छे अंदाज से सियासी हालात पे तबसरा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गिलानी साहब इस पजीराई का। तो सियासी हालात पे तबसरा मैं इस तरह शुरू करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, मैं समझता हूं कि ये जो पीटीआई है इस पे पाबंदी की बात हो रही है। तो मैं तो किसी भी सियासी पार्टी पे पाबंदी लगने का कायल नहीं हूं, मगर मैं समझता हूं कि ये सियासी पार्टी नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई जो है ये एक टोला है, बल्कि टोला भी हमारे चेयरमैन बलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं, मैं तो इसे पटोला कहता हूँ। पटोला कुर्बान सबके। पटोला किस बुनियाद पे आप इन्हें कह रहे हैं? देखे, सारे सियासतदान कई कई महीने कई कई साल पाबंदे सलासल रहे हैं, और सब ने अपनी अपनी कैद बड़ी बहादुरी दलेरी के साथ अल्लाह अल्लाह करके गुजार दी। मगर ये पीटीआई वाले अल्लाह अल्लाह करने की बजाय जेल में दूसरे दिन ही उई अल्लाह करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये उई अल्लाह करने वाले लोग टोला भी नहीं पटोला है। तो गिलानी साहब, यही वो लोग होंगे जो पीटीआई को छोड़ेंगे, और फिर यही वो लोग होंगे जो बाद में पीपल्स पार्टी में भी आने की कोशिश करेंगे, दूसरी सियासी जमात में भी जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो ठीक कैसे हो जाएंगे? देखिए, बात ये है कि ये सारे के सारे मुख्तलिफ पार्टियों से उड़ान भर के पीटीआई में गए थे, और ये मेरा ख्याल है कि अच्छी रवायत नहीं है। अगर ये वापस पीपल्स पार्टी में आते हैं तो मैं तो समझता हूं कि इनको इस बुनियाद पे वापस लिया जाए कि इनके पुराने बयानात देखे जाए। अगर किसी ने जमहूरियत से हटके बयानात दिए हुए हैं तो उसके लिए दरवाजे बंद रहने चाहिए। बिल्कुल अच्छा। और अगर कोई जमहूरियत के अंदर रह के खेलता रहा है तो उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इनकी चूंकि आजकल पकड़ धकड़ शुरू हुई हुई है, इन पे सख्त वक्त आया हुआ है, और ये सिर्फ रिलीफ लेने के लिए पार्टी छोड़ के वापस दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो मैं इस पकड़ धकड़ के हवाले से ये कहूंगा कि दुश्मन फड़िया जाए तो खुशी ना करिए, सजना भी फड़िया जाना। लेकिन गिलानी साहब, सियासी जमातों के रहनुमाओं के ऊपर ऐसे वक्त आ जाते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन हमने यहां देखा कि पीटीआई के जो लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के बाद वो तो पीटीआई से ऐसे निकले जैसे खजा में पत्ते झड़ जाते हैं। देखिए, बात यह है कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये कोई सियासी पार्टी नहीं थी, ये टोला भी नहीं, ये पटोला है। पटोला शादी, अगर पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है तो क्या ये सालगिरह पार्टी है? देखे गौरी साहब, सालगिरह पार्टी में भी कोई इत्तेहाद और इत्तफाक नजर आता है? इनमें मेरा ख्याल है कुछ ऐसा नजर नहीं आया। ये सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये अपने अपने मतलब के लिए इकट्ठे हुए हुए थे, तो इनको हम सियासी पार्टी कैसे कह सकते हैं? अगर सिर्फ इकट्ठा होने की वजह से पीटीआई सियासी पार्टी है तो फिर मेरा ख्याल है कि पपीते को भी पीला रंग होने की बुनियाद पे आम कह लेना चाहिए। सदके तुम्हारी मिसाल। लेकिन शाहजी, ये तो होता रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं फरीद कि जिस तरह मोर के पर लगाने से सील कुकड़ मोर नहीं बन जाता, इसी तरह
बंदे इकट्ठे होने से सियासी पार्टी नहीं बन जाती। जिस तरह किसी दूसरे की गाड़ी के आगे खड़े होके सेल्फी लेने से वो गाड़ी आपकी नहीं बन जाती, इसी तरह बंदे इकट्ठे करके सियासी पार्टी नहीं बन जाती। मैं समझता हूं कि फिल्टर लगा के तस्वीर लेने से तस्वीर तो खूबसूरत आ सकती है, आपका हकीकी चेहरा खूबसूरत नहीं बन सकता। बेशक हकीकत चेहरे की वही होती है जो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर में नजर आ रही है। खोली साहब, आपने तो नारी लगाने शुरू कर दिए जिए भुट्टो के, जरा गिलानी साहब से ये भी पूछ लेते हैं कि वही सारे लोग जो हैं वो दोबारा से आप कोशिश करेंगे पीपुल्स पार्टी में आने की? मिसाल ले लेते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले होंगे पीपुल्स पार्टी के लिए? देखिए, इसका फैसला तो चेयरमैन साहब करेंगे, मेरी पार्टी करेगी। सदके पार्टी अगर कहेगी तो ठीक है, मगर मैं ये समझता हूँ एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मुल्तान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर म्यान एक है और तलवारें दो हैं, तो दूसरी तलवार को चाकू बना के म्यान के साथ लटका लेना चाहिए। गिलानी साहब, ये पहली तलवार कौन है? आपको नजर नहीं आ रही? ये तो आप नजर आ रहे हैं। अल्लाह के फजल से यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तलवार है। बेशक बेशक मुल्तान की तलवार है। चमक रही है शाहजी, तलवार चमक रही है, बाकी तलवारें तो मांद पड़ गई। आपका बहुत शुक्रिया, आपके मैं नारे सुनता रहता हूँ। शाहजी, इस तलवार की अगर धार चेक करनी हो तो ये तरबूज को टक लगा ले। जुल्फी, आप तलवार की बात ना करें, आप नेल कटर के अंदर पाए जाते। वैसे तो बात अब सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की नहीं रह गई, अब तो तमाम लोग पीटीआई छोड़ते जा रहे हैं। मैं तो ये पूछने के लिए कि आपकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, जब ये सोचता हूं कि कल फला बंदे को फोन करूंगा तो रात को वो भी पार्टी छोड़ दे, फिर अगले दिन दूसरे बंदे का सोचता हूं कि उससे बात करूंगा, रात को वो भी पार्टी छोड़ देते। तो ये चूंकि मांगे तांगे के लोग इकट्ठे करके पार्टी बनाई गई थी, तो आपको मालूम है कि ये जो मांगे तांगे के लोग होते हैं, बल्कि जो तांगे में बैठे हुए लोग होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उतरना ही होता है। सदके, तो मैं समझता हूं कि ये सारी सवारियां जो है मांगे तांगे की, ये एक एक करके तांगे से उतर गई। शायदी पीटीआई वाले तो ऐसे पार्टी छोड़ रहे हैं जैसे गोगा लंबी लंबी नहीं छोड़ता। गोगा तो मैंने सुना है चौड़ी चौड़ी छोड़ता है। तो फरीद साहब जी, गिलानी साहब, मैं ये समझता हूं कि ये जिस तरह पीटीआई में गए थे जी, उसी तरह वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त तो पीपल्स पार्टी पे बहुत प्रेशर है। अच्छा, कि हमें वापस लिया जाए। तो गिलानी साहब, इन हालात में पीटीआई से मुजाकरात का वक्त हाथ से निकल गया? अब वक्त गुजर चुका है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बंदा रेलवे स्टेशन पे पकौड़े लेने के लिए गाड़ी से उतरता है और पीछे से गाड़ी निकल जाती है। फरीद, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे किसी फैमिली के शादी पे जाते वक्त कोई बच्चा जिद करना शुरू कर दे कि मैंने रेड नेकर शर्ट पहन के जाना है, और वालद गुस्से में कह दे एक घर छोड़ दे वो असामेनिया, और वो बच्चा बेचारा फिर सारा दिन अकेला घर रहता है। अब मेरा ख्याल है कि वक्त गुजर चुका है, ये जो सियासी नौ निहाल है इमरान न्याजी, ये अब अकेला बैठा रहे। हाय हाय, शाहजी क्या मसाल दी आपने, मैंने इसी डर से कभी जिद ही नहीं की कि मैंने ये कपड़े पहनने हैं, मैंने ये कपड़े पहनने हैं, मैं उसी वक्त चल पड़ता हूं। तेकू कपड़े नाल क्या, तेकू तो बस इतना पता है कि अगे लंगर पका पिया। शाहजी, जिस ब्याह ते बहुत ही सलामी देनी होंदी सी, इहदे अम्मी अबू इहनू दो दो दिन भुखा रखदे सन। शाहजी, ये गोगे के गांव में किसी शादी पे जो बच्चा पकना होता ना, उस बच्चे को तीन चार दिन पहले ये गीला कपड़ा मारता है।
कोई पूछे ना क्या कर रहे हो तो कह रहा मैं गोश्त हो रहा हूं। तो बात ये है फरीद साहब कि ये न्याजी साहब ने अपने पाव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये अगर मुदाखरात पे राजी हो जाते तो हालात ये ना होते। ये एक बाकायदा जज्बाती से आदमी है, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इनकी 20 साल दौरे सियासत की सारी गुफ्तगू उठा के सुने, आपको ऐसे लगेगा कि किसी छोटे से बच्चे ने कापी के ऊपर कचबचोले वाए हो। अच्छा याजी ये तो बताए ना कि जो लोग पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे वो वापसी दोबारा उम्मीद रखे पार्टी में आने की? देखे फरीद, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस तरह के फैसले पार्टी करती है। ठीक है, मैं तो बस ये डॉक्टर फिरदौसा शकवाद साहिबा, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इतना कहूंगा कि पहले तो लो फिर चुप रहो। नाजरीन यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक खवातीन और हजरात। नाजरीन एक बार फिर आज तारीख के औराक पर नजर डालते हैं। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ओ ये तो शबाज शरीफ साहब पढ़ा करते हैं। ओ भाई ठहरो, आइए जनाब तशरीफ लाइए, हस्बे हाल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं भी खाइफ नहीं तख्तायदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अग्यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या बात है मियां जी, क्या बात है। ये तो भूटान दे मियां शबाज शरीफ साहब लगते। नहीं पागोरी, जिस वेले अंग्रेज का दौर सी ना उदो बाबा जी टैप मशीन दे उत्ते दरखास्तां टैप करदे सन। मेरा ख्याल है स्कूल मास्टर ने ते शायरी तो लगदा है उर्दू पढ़ांदे ने। और शर्म कर भाई, रूह ना मजाक करिए ते वाल चढ़ जांदे ने। अरे भाई तुम लोग अब भी नहीं पहचान सके कि ये कौन है? कम अकलो, शायर इनकलाब है ये। नजीर अकबर आबादी के बाद अगर किसी को अवामी शायर का खिताब मिला तो वो इन्हें मिला। ओ अच्छा अच्छा, मिर्जा गालिब साहब हैं। ओ यार नहीं, तेनू उन्हां दे हेयर स्टाइल तो नहीं पता लगता, ये फैज अहमद फराज ने। बेटा वैसे आपकी अदब शनासी के साथ साथ जनरल नॉलेज पे भी लख दी लानत। कसूर इनका नहीं है फरीद साहब, ये आजकल के अगर जोकर नुमा शायरों को सुनेंगे तो फिर ये फैज फराज को कैसे पहचानेंगे? दुरुस्त कहा आपने, इसीलिए आजकल के नौजवानों को अदब शनास मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वाह 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 वा। मियां जी तुसी आजकल दे दौर च हुंदे ते एक मिंट च मन जाना सी। ओ भाई ये आजकल के दौर के नहीं हैं जो अपनी जगह से हट जाएंगे, ये हबीब जालिब साहब हैं। वाह 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 वाह।
ये जबर के दौर में इनकलाब की सबसे तवाना आवाज बनकर उभरे, नाइंसाफी और अदम मसावात के खिलाफ ये डट कर खड़े रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारा घर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। क्या बात है बाबा। फरीद साहब, मैं समाज के हर उस पहलू से लड़ा जिसमें आमरियत का रंग झलकता था, और वो कोई भी हो उसके सामने डट गया। वाह। और असूल यही रखा कि जुल्म की हर जंजीर को तोड़ दिया जाना चाहिए। हबीब जालिब साहब, माफ कर दीजिएगा इनको, ये नहीं जानते हैं, ये क्या जाने आजकल के दौर के लोग हैं ये, इन्होंने कभी सुना ही नहीं कि मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। इन्होंने तो देखे ही वो लोग हैं जो एक मिनट में मान जाते हैं। फरीद, आप तारीख को जानते हैं, मैंने तो सारी जिंदगी ये कहा मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। बिल्कुल सही, बल्कि मैं तो इस मिट्टी का मुजस्मा हूं, मैं तो हवाओं बादलों में भी इसे ही देखता रहता हूँ, मैं तो अपने हम वतन लोगों को ही देखता रहता हूँ, और आज भी नीचे देख के यही कह रहा होता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। नीचे कोई दुकानदार कहता है मैं मिलावट नहीं करता, तो मैं ऊपर से कह रहा होता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। कोई कहता है मैं खालस दूध बेचता हूँ, तो मैं ऊपर से कह रहा होता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। क्या कहने। कोई सियासतदान कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं ऊपर से कह रहा होता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। वाह 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 वाह। नीचे कोई जेल में कह रहा होता है मैं बीमार हूं, तो मैं ऊपर से कहता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। वाह। कोई कहता है कि फलां तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। कोई कहता है मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। कोई कहता है मैं गरीबों को लाखों नौकरियां दूंगा लाखों घर दूंगा, मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। कोई कहता है वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। कोई रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाता है, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। मेरे वतन का कोई लीडर कहता है मैं सादक और अमीन हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। और 100% ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये ना झुके ना बिके डटे रहे, फाके काट लिए लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में मैं आपको बताऊं कि हबीब जालिब साहब ने एक मशहूर नजम लिखी मुमताज जी। और वो नजम ये थी कि लाड़काने चलो वरना थाने चलो। फिर भुट्टो साहब का दौर खत्म हुआ, वो जेल चले गए, एक जलसे में हबीब जालिब साहब से कहा गया कि वही नजम पढ़ी जाए जी। लेकिन हबीब जालिब साहब ने आपको मालूम है कि क्या जवाब दिया जी। उन्होंने कहा मैं हाकिम के सामने खड़ा होता हूं महकूम के सामने नहीं, अब उन पर मुश्किल वक्त है, मैं नजम
नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद एक और वाकया बड़ा दिलचस्प है और अफसोसनाक और दर्दनाक भी है। अच्छा, जियाउल हक दौर में इन्हें फिर जेल हुई। इनके घर में फाके चल रहे थे। इन्होंने किसी से आसाइश नहीं मांगी। इनकी अहलिया जेल में इनसे मुलाकात के लिए गई और वहीं पे इन्होंने एक गजल लिखी। वो गजल तो मैंने अपना दिल नचोड़ के तहरीर की थी। जो हो न सकी बात वो चेहरों से आयां थी। हालात का मातम था, मुलाकात कहां थी। उसने न ठहरने दिया पहरों मेरे दिल को, जो तेरी निगाहों में शिकायत मेरी जान थी। घर में भी कहां चैन से सोए थे कभी हम, जो रात है जिंदा में वही रात वहां थी। क्या कहने, वाह 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 वाह। जालिब साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पिछले साल का बिल देखें, 200 यूनिट का और था, इस साल 200 यूनिट का रेट कुछ और है जनाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि 1 यूनिट तो आपका मुंह है। आपको 200 यूनिट क्यों आए हैं? वेलकम बैक ख्वातीन ओ हज़रात। गर्मियों का सीजन आते ही बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक मीटर रीडर और सारिफ को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत है जी? ठीक ठाक क्या होना है जनाब, आप इतने लंबे बिल भेज देते हैं बंदे के होश उड़ जाते हैं। नहीं जी, जितना बिल होता है उतना ही भेजते हैं, लंबा क्या, हमने थान से उतार के भेजना है। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ आप हंस के बात कर रहे हैं, दफ्तर जाओ बिल ठीक करवाने या किस्त करवाने के लिए, उस टाइम आपने मुंह बनाया होता है। आप सिर्फ मेरा हासा देखने आते हैं या बिल ठीक कराने आते हैं? देखें हजूर, ये जो बिजली का सिस्टम है ना जी, ये इसके मुतालिक ही तो कहा गया है कि कोकला छिपा की जिम्मे रात आई जे जेड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई। भाई आपकी तरफ से हम गरीबों की शामत आई हुई है। पाजी बड़ा नेर है, बड़ा जुलम है, देखे तनख्वाहदार बंदा क्या करे। नहीं तो इसमें बापटा का क्या कसूर है जी, आप तनख्वाहदार हैं तो बापटा कोई कसूर है पाजी। पिछले साल का बिल देखे, 200 यूनिट का और था, इस साल 200 यूनिट का रेट कुछ और है जनाब। देखिए पहली बात तो ये है कि 1 यूनिट तो आपका मुंह है। आपको 200 यूनिट क्यों आए हैं? दूसरी बात ये है, देखें फरीद साहब, जब ये बिजली का बिल बढ़ता है या कीमत बढ़ती है बिजली की, तो उसमें मीटर रीडर का तो कोई कसूर नहीं होता ना जी। क्यों नहीं होता? कोई एक मिनट काका जी, एक मिनट। देखो मीटर रीडर ने को पीछे मंडी से बिजली ला के आगे नहीं बेचनी, गवर्नमेंट की बिजली है, वो आ रही है तारों से, मीटर रीडर सिर्फ आता है क्रच फोटो खेची जो है जाके दे दिया, उन्होंने जो बिल बनाया ले आके पकड़ा दिया। मेरा तो काम ही लेन देन का है जनाब, लेन देन का। नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखे इसी हवाले से मैं कहता हूँ, लेन और देन। जी जी, ओ जनाब, ओहो बड़े पाए ना ये बिल वाला ना, आप इनसे ये पूछे कि जब जमा कराने की डेट होती है तो एक दिन पहले भेजते हैं बिल, माड़ा बंदा कहां से हजारों रुपए जमा करे बहू जी। ओ यार, तुम खुद मुझे बता रहे हो मैं सौरे गया हुआ था, मैं इसलिए नहीं जमा करा सका। क्यों नहीं जमा करा सका पाजी? पिछली यारी 15,000 रुपया बिल से कट था, मैंने अपना मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा कराया। मोटरसाइकिल क्यों बेच दिया? और क्या करता पाजी, महीने की आखिरी तारीख थी, सारे पैसे तो सौदा सलफ लाने में खत्म हो जाते हैं, और बिल जमा कराने के लिए मजबूरन हमें स्कूटर बेचना पड़ा पाजी। अगर वो भी ना जमा कराते तो मेरे बच्चे अंधेरे में बैठे होने थे। और अगर जमा ना कराते तो ये लाइन काटने के लिए, बिजली काटने के लिए फौरन आ जाता। बिल्कुल, बात ये है, अगर इसको तनहा इसकी खत्म हो गई थी, ये अपने ससुराल से उधार ले लेता। पहली तरीके तनहा मिलती, उनको वापस कर देता। ससुराल से उधार क्यों ले लेता? ओ जी, मेरा मतलब है कि जो रिश्तेदार बहन भरा होते हैं वो मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं, अगर वो जुआई को इतना भी नहीं सपोर्ट कर सकते तो फिर सीधी बात है, शायर तो इधर कह देता है, किकनी कलीन दी पग मेरे वीर दी, दुपट्टा मेरे भाई दा, फिटे मुंजवाई। मदद तो मैं अपने ससुराल से लूंगा, सालों को बुला के आपके ये दंद अंदर करवाऊंगा।
ये अपना काम अगर वक्त पे कर लेना, अगर ये अपनी मीटर रीडिंग वक्त पर कर ले, ये अगर अपने यूनिट जो मीटर रीड करता है वो अपने इदारे को वापडा को सही टाइम पे भेज दे तो ये बिल आने में इतना डिले ना हो। इतवार वाले दिन छुट्टी होती है पाजी, कई दफा ये इतवार वाले दिन हमारे घर बिल दे के गए हैं। देखो बात की है जनाब, मैं अल्लाह के फजल से टाइम पे सारे बिल बचाता हूँ। इनको जब मैंने बिल बचाया ना जी, दो दफा इनके घर गया हूँ। पहली गलती में इन्होंने बूहे थले पानी खलोता हूँ। अगर मैं बिल दरवाजे के नीचे से अंदर करता तो बिल तो तार गया हुआ था। ठीक है, इसको दोबारा नया बनवाना पड़ना। छह बारी मैं बुआ खड़काया इन्होंने घरों कोई नहीं निकलिया। मेरा मतलब है बुआ तोड़ के बिल सुटता तो मैं उनकी चोरी जी फड़े आ जाता। ऊपर से आपका उलिया भी चोरों वाला है। अच्छा जी, तलाल चौधरी साहब आपकी लगी हुई है सरकारी तनख्वाह, तो आपको आती है बातें। आपको बच्चों के लिए बिल जमा करने के लिए किसी के आगे थैली करनी पड़े, देखता हूँ। रोई ना, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी ना रोई। एक अथरू भी निकलिया तो तेरा मुंह दे डूब जाने। देखो देखो देखो, बात ये है भाई जी, कभी भी अल्लाह के फजल से आपका भाई झूठ नहीं बोलता। सीधी बात करते हैं, सीधा बताते हैं कि भाई जी ए तुहाडा बिल है यार, अगर आप लोग बिल अदा नहीं कर सकते तो बिजली ना जलाएं। सारी दुनिया में ऐसे है कि जितना कोई अफोर्ड करता है उतनी बिजली जला लेता है। बाहर के मुल्कों में तो जनाब जिस तरह ये मोबाइल फोन में नहीं लोड करवाते, इसी तरह बिजली के मीटर में लोड करवा लेते हैं। आप 20 रुपये की बिजली लोड करवा ले, 20 रुपये की जला ले। यार इधर ये रटाई नहीं खत्म हो रहा कि नहीं जी मैं तो इतनी बिजली नहीं सी बाली। ओ भाई साहब, इन्होंने बिल ज्यादा भेज दिता है। नहीं जी साढ़े यूनिट महंगी हो गई। यार बिल ज्यादा आता है तो वो शिकायत करते हैं ना, और फिर मैनेज करते हो ना लोगों के साथ मिलके। जिनके ज्यादा बिल आते हैं मीटर रीडर, उन लोगों के साथ मिलके मैनेज कर लेते हैं, उनके बिल ही नहीं आते। चार चार एसी चल रहे होते हैं और बिल कितना आता है, 1500 ये बात ये जो आप देना। मैं जिंदगी किसी नाल मैनेज नहीं जे करता, सवाए ताड़ी भरजाई दे। उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। अगर मुझे कहे कि जाते हुए दफ्तर में जरा मुझे मेके उतार दो, उतार देता हूँ। वो चुके मुझे मैनेज कर लेती है। हाँ यही मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने आपको मैनेज किया हुआ, इसलिए आप मैनेज हो गए उनसे। और इनका बस चला तो ये आसमानी बिजली का बिल भी हम पे डाल दे। ये ज्यादती कर रहे हैं आप। हाँ मेरा बस चले तो बिल नहीं आसमानी बिजली जरूर आप पे डाल दे। अच्छा भाई जी, तुम गन्ना तो नहीं चूप सकते, रोज पींदे हो गए। दीदी गन्ना चूपते जे? अच्छा जी, बल्कि मैं तो गन्ना चूपा तो साफ नजर आंदा। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वो कहता है जी ये नशा बिक रहा है और ये खरीद रहे हैं। सरेआम यार, सरेआम उस पुल के ऊपर और इर्द गिर्द फुल रश है। लो जी शायर कहता है, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुना हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं, हजारों हैं शिकवे, मैं क्या क्या गिनाऊं। ये काम छोड़ दो, मुसीकी बेहतरीन। यार बहुत दुखी हूँ मैं वाकई, सीरियसली बड़ा। क्या है बाप खुदा, क्या हो गया? अब तो मैं इस तरह की अफसरदा हालत के अंदर सचमुच ना कोशिश करता हूँ कि ध्यान किसी और तरफ बटवा लूं, चूंकि बंदा बीमार हो जाता है इस तरह की चीजें सोच सोच के जी। ये 3-4 दिन पहले मैं नहर वाले रोड के ऊपर से आ रहा था जी। मैं जब पहुंचा हूं ना जी इछरे वाले पुल पे जी, यानी जो फिरोजपुर रोड पे चढ़ जाता है नहर वाला रोड जी। 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 मैं ऊपर चला गया हूँ, अंडरपास में नहीं गया, ऊपर फिरोजपुर रोड पे जब मैं पहुंचा हूं जी, इशारा बंद था जी। मैंने दाएं तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा कि कोई कुछ न्याज बांट रहा है या कोई चीज बांट रहा है, चूंकि वहां पे कोई 20-25 बंदे खड़े थे। अच्छा, रश लगा हुआ था। रश लगा हुआ था। मैंने गौर से देखा कि ये सारे फकीर हैं या मांगने वाले या कौन है ये मैलिक चेले से कपड़े पहने। वो यही अभी मैं सोच रहा था तो एक बंदा जो मुझे देख रहा था, शायद उधर ही को अपना वो काम करता को रेडी शेडी लगाता होगा, तो मुझे देखता कहता, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब जी साहब, मैं वालेकुम सलाम।
कहते है कौन ने वाला, मैं क्या कौन ने, कहते जी ये सारे नशई हैं। वाह खुदा, वो कहता है जी ये नशा बिक रहा है और ये खरीद रहे हैं। सरेआम यार, सरेआम उस पुल के ऊपर और इर्द गिर्द फुल रश है और वो बेच रहा था वाकई। ओह माय गॉड, वो कितने सारे लोग इकट्ठे थे वहां। मैंने फौरी तौर पे मोबाइल निकाल के तस्वीर खींची, ये जो स्क्रीन पे नजर आ रही है। अच्छा। ला के मैं राणा आशान साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जिनका तुर्की के सिपाही जैसा वो है, उनको मैंने दी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये लाहौर के अंदर हो रहा है और लाहौर के सबसे मसरूफ चौक के अंदर ये हो रहा है। ये किसी गांव देहात या किसी और शहर में नहीं है, किसी और जगह नहीं है, यानी मेन सिटी प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर हो रहा है। तो मेरे जेन में नहीं रहा। अभी कल चल रही थी एक टेलीविजन के ऊपर खबर के हमारे जो निगरान वजीरे आला हैं मोहसिन नकवी साहब जी जी, उनकी एंटी नार्कोटेक्स के जो वफाकी वजीर हैं बुगटी साहब, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने नशे के खात्मे के लिए और ये और वो और नशे की स्मगलिंग पे बड़ी गुफ्तगु की और इसका अजम किया कि इसे खत्म किया जाए। मैं ये सोच रहा था कि गुफ्तगु करके नकवी साहब को बताएं कि हजूर हर चौक में वेक रहा है, आप कौन से वजीर साहब को लेके बैठे हुए इधर, आपकी जो पुलिस है भाई। मेरा मतलब है कि अब मुझे नजर आ रहा है और सौ सैकड़ों लोगों को नजर आ रहा है जी। तो पुलिस वाले जो उस इलाके के एसएचओ साहब हैं उनको या उनके थाने के अमले के किसी बंदे को नहीं वो नजर आ रहा है। पकड़ते भी हैं तो वो नशा करने वाले को पकड़ते हैं, जो नशा बेच रहा है उस पर हाथ डालते हुए सभी घबराते। कोई नशा करने वालों को भी नहीं अब पकड़ता जी। मैंने आके घर कंप्यूटर खोल लिया तो मैं पता है मैं कंप्यूटर खोल लेता। अरे शुक्र। पहले एक दौर था कि मैं तुम्हारी परजाई की अलमारी नहीं था खोल सकता। ओए 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 ओए, आप कंप्यूटर खोले थे? हाँ जी, मिठाई मुझे उसी से कहना पड़ता था कि पलिये लोग का पेट्रोल दे पैसे। तो पहले क्या सीखा जीजी, अलमारी खोलना सीखी या कंप्यूटर खोलना सीखा? अलमारी तो फिर मैंने खोलनी सीख ली। गोगा जो प्रोग्राम नहीं करता कई मजा खोल लेता वो तो मज्जों के साथ बातें बूते करता है इसलिए खोल लेता है, वापस बांध आता है। मेरा कारोबार ही ऐसी। लो जी, मैंने जब कंप्यूटर खोल के देखा है, रिसर्च की थोड़ी सी। आपको पता है पाकिस्तान में जो नौजवानों की तादाद है उनका 6% हिस्सा आपका नशई है, नशे की किसी ना किसी इल्लत में मुब्तला है। और इसमें सिर्फ सादा सिगरेट पीने वाले लोग नहीं है, नशा सिगरेट से हट के ये 6% लोग हैं जो 67 लाख नौजवान बनते हैं। बहुत बड़ी बात है, 67 लाख नौजवान पाकिस्तान में इस वक्त नशे की इल्लत में मुब्तला हैं। मुख्तलिफ नशे जो है। और इससे और ज्यादा बड़ी दुख की बात ये है कि इन 67 लाख में 14.5 लाख हमारी बच्चियां हैं। साढ़े 14 लाख हमारी बहनें बच्चियां हैं, ख्वातीन हैं। और आप हैरान होंगे, एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ये धड़ाधड़ नशा बिक रहा है। ये बात हमने पहले भी एक दो दफा की इधर प्रोग्राम में, मगर ये ऐसी चीज है कि जब भी कोई ऐसा मंजर देखते हैं तो फिर रोना निकलता है। यार इसको डिस्कस करें। ये काल जो यूनिवर्सिटियों में वो कोई ठेला लगा के खड़ा है नशा बेचने वाला, उसकी मद में बेच रहा है, कोई रक्षे वाला खड़ा है कि जैसे कोई किसी स्टूडेंट को लेने आया हुआ है वो उधर खड़ा होकर रक्षा खड़ा करके बेच रहा है, कंटीनों के अंदर कई मुलाजम ऐसे हैं जो गेटों के ऊपर खड़े हैं गार्ड, उनमें से कई नशा बेच रहे हैं। मतलब ये नशा बेचने वाला जो गैंग है, ये जो ग्रोह होता है, ये किसी ना किसी बंदे को ढूंढ लेते हैं। और फिर मैं हैरान हुआ हूँ ये पढ़ के एक जगह पे कि इन लोगों ने बकायदा ये जो नशा बेचने वाले हैं जी जी, लड़कियों की सूरत में ये अपने नुमाइंदा कॉलेजों में छोड़ते हैं, वो लड़कियों को बकायदा तरगीब देती हैं नशे की। अजीजी ये गैंग बहुत मजबूत गैंग है यार, इसके हाथ बहुत लंबे हैं इसके। भाई जी अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है ना,
हुँ। ये आपको लाहौर शहर का बता रहा हूं जहां हर एक घंटे के अंदर लाजमन हर दूसरी सड़क पे ट्रैफिक रोकी जाती है कि कोई भाई साहब गुजर रहे हैं। वो कोई वीआईपी होते हैं, कोई सियासी लीडर, वजीर, वजूर, मिनिस्टर, या कोई बड़े अफसर, या को। तो मेरा मतलब है कि ये इस शहर के अंदर ये हो रहा है जहां पे वीआईपीज बेशुमार हैं और बाइख्तियार लोग हुकूमती अहलकार बाहर सड़क पे फिर रहे हैं, उनके सामने ये सब कुछ हो। अजीजी वीआईपीज के प्रोटोकॉल में ये सारे मसरूफ हैं, बाकी जो नशा बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं उनकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं। अल्लाह आपकी खैर करे, मैं ऐसे नहीं आपको फरीद से आना कह रहा। नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिंदगी हकीकत में बहुत ही सादा है लेकिन हम अपनी नाजायज ख्वाहिशात की वजह से इसे मुश्किल बना देते हैं। वाँ 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 वाँ। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।